बच्चों, पर्दों से घर का लुक ही चेंज हो जाता है। बिना पर्दों के घर इनकम्प्लीट सा लगता है, चाहे वो रूम हो या ड्राइंग रूम हो। तो पर्दों का लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है घर के अंदर। पर्दे हमारे घर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो क्यों ना लगाएं भाई पर्दे। लेकिन इन पर्दों को लगाने में बैंड बज जाती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अब इतने सुंदर जब हम पर्दे लगा लेते हैं, उनकी केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही होगा, पर्दे 2 साल में ही खराब जाएंगे। चलिए उनकी केयर कैसे करें वो देख लेते हैं। पर्दों को यदि हम ड्राई क्लीन कराने के लिए जाते हैं तो पर्दे काफ़ी महंगे में ड्राई क्लीन हो पाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर घर में वॉश करते हैं सही तरीके से तो उसमें खर्चा भी नहीं लगता और एक दिन में ही पर्दे धुल के साफ हो जाते हैं। पर्दे हमारे घर में 2 टाइप के होते हैं, या तो रिंग्स लगी होती है गोल गोल रॉड के अंदर, या फिर छल्ले लगे होते हैं छोटे हुक टाइप। तो या तो अगर आपके पास हुक हैं तो उन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि हम जब वापस लगाएंगे वॉश करने के बाद तो हमें यही हुक काम आने वाले। अब रिंग की बारी आती है। रिंग के साथ ही अगर हमने वॉश करने डाल दिया, चाहे मशीन में या हाथ से, तो रिंग अगर कोई टूट गई तो फिर वो सेट ही खराब होगा, तो हमारे पास रिंग आएंगी कहाँ से? तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर घर में पर्दे इस तरीके से हुक्स वाले हैं तो उन हुक्स को आप एक छोटी से बॉक्स में रखते जाइए जब भी आप पर्दे उतार रहे हैं। क्योंकि अगर ये हुक्स सही तरीके से या पूरे के पूरे हुक्स नहीं मिलेंगे तो जब हम वापस इन पर्दों को लगाएंगे तब हमें परेशानी आ सकती है। पर्दों के लिए जब भी आप वॉश करें, चाहे वॉशिंग मशीन हो या हाथ से धो रहे हैं, कभी भी 2 कलर एक साथ कभी ना धोएं। जब भी आप इस पर्दे को धोएं, जैसे ये 2 कलर के पर्दे हैं, तो आपको लाइट कलर के साथ धोने चाहिए, डार्क कलर को डार्क कलर के साथ धोने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दोनों मिला के एक साथ भिगा दिए और कलर एक दूसरे का चढ़ गया, उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। अब चलते हैं उन रिंग्स वाले पर्दों को देखने के लिए। अक्सर ये होता है, ये शिकायत होती है कि जब हम रिंग्स वाले पर्दे धोते हैं घर में तो रिंग्स इधर उधर हो जाते हैं या टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पर्दे की रिंग्स आपको दोबारा उसी कलर की नहीं मिलती, पूरा सेट ही खराब हो जाता है। पर्दे को मैंने धीरे धीरे करके सारे निकाल लिए हैं और इनके रिंग्स को इकट्ठा करके मुझे एक डोरी से बांधना होगा, जिससे क्या होगा, ये रिंग्स बिल्कुल ना तो गुम होंगे ना टूटेंगे, चाहे आप हाथ से धो रहे हैं या आप मशीन से धो रहे हैं। मैं दोनों तरीके से आपको धो के दिखा रही हूँ। पर्दे मैंने निकाल लिए हैं और बाथरूम में मैंने टब भर दिया है पानी का, जो पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी है, कोई भी इसमें गर्म पानी मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें आप कोई भी डिटर्जेंट डाल रहे हैं वो लिक्विड डालिए और सॉफ्ट डालिए। अगर आपके पास हो कुछ और कुछ ना हो तो शैम्पू के पाउच भी आप डाल सकते हैं। बहुत आराम से इन पर्दों को धोया जा सकता है। पर्दों में ज़्यादातर मिट्टी होती है, डस्ट होती है, ना कि उसमें कोई दाग होते हैं। उन्हें आप ब्रश वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, बस इसमें भिगो के रख दीजिए। आधे घंटे बाद किसी की मदद लेकर, क्योंकि पर्दे काफ़ी भारी हो जाते हैं पानी में डालने के बाद, किसी की मदद लेकर 3-4 पानी से उन्हें खंगाल लीजिए। वॉश करने के बाद उसे अच्छे से स्क्वीज कीजिए और उसके बाद कहीं पर टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब अगर हमें वॉशिंग मशीन में इन पर्दों को धोना है, अगर भारी है तो एक एक करके आप पर्दा धोइए, जिससे वो साफ तरीके से हिलडुल पाएगा और साफ हो जाएगा। अगर वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं उसमें भी आपको रिंग्स को इसी तरीके से बांधना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वॉशिंग मशीन का भी धुल चुका है पर्दा और जो हमने यहाँ पर हाथ से धोया था वो भी धुल चुका है, बिना ब्रश के बहुत ही बढ़िया धुल चुके हैं। अब ऊपर क्योंकि छाया है तो मैं वहाँ पर इन पर्दों को डाल रही हूँ, हल्की धूप चलेगी या छाया। पर्दे वॉश हो चुके हैं, चमक चुके हैं, 10 साल पुराने मेरे यहाँ पर्दे हैं, अभी भी चमक रहे हैं, है ना बढ़िया सी बात। एक और बात, आप चाहें तो बहुत हैवी लग रहे हैं, घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेस और करवा लीजिए, अगर नहीं तो मेरी तरह प्रेस कर लीजिए, देखिए हो गया ना मिनटों में काम। अब मैं इनकी रिंग्स वाला जो धागा है वो खोल रही हूँ। एक एक करके आप इस तरीके से जब खोलते जाएंगे तो ना तो ये सुखाने में गुम हो गई, ना ये धोने में आपकी रिंग गुम हुई है। अब आप धीरे धीरे इसको प्रेस कर लीजिए। पर्दे को प्रेस करना बहुत आसान होता है क्योंकि पर्दे सीधे सीधे होते हैं। अगर आपके पर्दे काफ़ी सूती हैं, स्टार्ची हैं, तो आप इसे बाहर से प्रेस करवा सकते हैं। क्योंकि मेरे भारी पर्दे ज़रूर हैं लेकिन प्योर कॉटन नहीं है, सिल्क टाइप पे हैं, तो इन्हें आप आराम से प्रेस कर सकते हैं घर में। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।